तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो भैया आजकल ना मैं रुद्रप्रयाग में घूम रहा हूँ और फुल मज़े आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पहले भी आया था मैं, यहाँ पे आपको पता होगा लास्ट टाइम तेज भाई के साथ रुका था मैं, जब मैं चोपता और तुंगनाथ गया था। तो इस टाइम हमें चोपता में ही है, चोपता ये एक्चुअल दूसरा वाला चोपता नहीं है, ये दुर्गा धार वाला चोपता है। और मंदिर की वीडियो आपने देखी होगी, ऊपर पिछली बार भी दिखाई थी, इस बार भी दिखा दूंगा थोड़ा बहुत। तो अभी का सीन पता है क्या है भाई, मौसम तो देख लो कितना मस्त है। और अभी जा रहे हैं हम काफल खाने, वैसे तो हमने चख लिए थे लेकिन अभी काफल निकालने जा रहे हैं भाई हम लोग। तो दिखाते हैं भाई कैसे कैसे होते हैं, कहाँ मिल भी पाते कि नहीं मिलते हम। तो भाई एक जगह में तो आ गए हैं, वैसे यहाँ पे काफल के पेड़ तो काफ़ी दिख रहे हैं लेकिन है कि नहीं है वो देखना है। बहुत ही ज़्यादा पेड़ है, देखो ऊपर ये काफल के पेड़ है और इस साइड भी पूरे काफल के पेड़ है। मैं दिखाता हूँ, ये पूरा घना जंगल है भाई। अब यहाँ ढूंढने, वैसे ये भी काफल का पेड़ है लेकिन जो ज़्यादातर है ना वो भाई उसमें आ नहीं रखे हैं, तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा हमें। वहाँ भी तेज भाई तो आगे निकल के, हमें एक बच्चा मिला था अभी, उसने बोला भैया वहाँ आगे चले जाओ थोड़ा, तो वहाँ थोड़ा मिल जाएंगे। बाकी पूछते हैं भैया काफल भेजा लिया अपना, भेजा लो हो जाएगी भाई। तो आज मतलब काफल खाते काफी टाइम बाद यार मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। क्या लग रहा है तेज भाई मिलेंगे? इसमें ये तोड़ रखी है ना, ओए ओए थोड़ा थोड़ा तो दिख गया भाई ये, लेकिन ये कच्चे हैं हरा भी है ना। ओहो ये होते हैं जनाब काफल। वो देखो ये पेड़ पर सूख रखा है, उसके बगल में ये वाला कुछ टाइम पहले ना बुरांस होते थे, अब बुरांस का सीजन चला गया, अब आ गया काफल का। ये देखो ऊपर, चलो दूसरे पेड़ में दिखाएंगे काफल। देखो भाई कुछ अच्छी चीज़ खाने के लिए ना जंगल से भी गुजरना पड़ता है, तो इस टाइप का कुछ जंगल है भाई यहाँ पे। तो भाई हमें ना पेड़ तो बहुत ज़्यादा दिख रहे लेकिन ना उनमें काफल है नहीं, मुझे लग रहा है इस बार नहीं आ रखे या फिर बहुत कम आ रखे। जिन पे हैं थोड़ा बहुत वो ना बिल्कुल हरे हैं। और भाई ये उत्तराखंड, आपको अगर पता होगा, अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ, काफल एक बहुत ही बढ़िया जंगल फ्रूट होता है भाई, जो उत्तराखंड में पाया जाता है और हिमाचल में पाया जाता है और अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, बस ये दो मुझे पता है, हिमाचल और उत्तराखंड का मुझे पता है भैया, यहाँ तो पक्का पाया जाता है। बाकी सड़क के ऊपर आए थे, आधा एक किलोमीटर ऊपर आए, कुछ मिला नहीं भाई। अब एक सड़क के नीचे पेड़ दिख रहा था, हम साइड चलते हैं थोड़ा, अगर मिलता है तो वहाँ आपको दिखाते हैं भाई काफल। तो पेड़ तो दिखा है भाई, वैसे आ रखे हैं इसमें दूर से, आप पास से दिख रहे नहीं दिख रहे लेकिन थोड़ा बहुत है भाई इसमें। देखो तेज चढ़ गया है भाई पेड़ पे, अब लाएगा पन्नी भर के, हमने वहाँ पन्नी भी ला रखी है भाई, हमने पन्नी भी ला रखी थी, पन्नी में लेके जाएंगे, यहाँ खाने के लिए नहीं हो पा रहे तो पन्नी तो छोड़ दो भाई। तुम डर तो नहीं रहे कि सारे खा जाएंगे? पक्का कहाँ मिलेंगे? नीचे ये होते हैं भाई काफल ऐसे। तो भाई एक पेड़ मिला है यहाँ पे, ये इसमें हैं तो सही, देखो कितने सारे हैं लेकिन ना सारे कच्चे हैं यार ये देखो। हाँ तो बहुत रखे हैं भाई इसमें, देखो हाँ ठीक ठाक आ रखे हैं लेकिन भाई वही सीन, पक नहीं रखे अभी, पूरे खट्टे होंगे ये देखो। अरे नहीं यार हम नहीं चढ़ पाएंगे क्या? बोलो क्यों? हाँ क्योंकि यहाँ पे मतलब ना बड़े लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि घुसने के लिए नहीं है। तुम कैसे घुसे फिर? मैं तो कांटे से चुप के घुसा हूँ। कांटे लगे नहीं? अरे आप तो वीडियो बना रहे हो। यहाँ जंगल देखो भाई साहब, जंगल कितना खतरनाक है यहाँ पे, देखो चारों तरफ से कितनी खतरनाक जंगल है, और देखो नीचे इस साइड भी काफल पके नहीं यार भाई अभी। और सारे भाई मैक्सिमम जो पेड़ है ना भाई ये काफल के ही पेड़ है लेकिन आ नहीं रखे यार भाई। काफल कहाँ पे है? मैंने डाल पर खींच नहीं, गूगल पे बोल। ओए भाई वो मांग आज की मीन वालों को ये पर का बोल देना तो मजा आता है, वाला तेरे का उन चूर कर दो एक का बोल चूर है बोल चलो हिंदी में नंबर तुम गाड़ी वाला हां मूड बोल पे आई मूड बोल कर रहा है वहां के डाल मैं सब बैठे हैं क्या? अरे बर्मन भरा है बर्मन का, तुम लोग शाम को ही जाओगे? हां शाम तो बताऊं भाई मैंने कितने काफल निकाले, ये दिखाता हूँ आपको।
ये देखा भाई, इतने सारे काफल निकाल दिए भाई मैंने। तो भाई हम इतने ही काफल ले पाए वहाँ से, इतने ही काफल मिले, तो इनमें नमक और मिर्च मिला दिया, तो इसे खाते हैं भाई बहुत साफ, और बाकी फिर चलते हैं दूसरी जगह।